नमस्कार दोस्तों, कल मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला। इस मैसेज में बड़ी मेहनत से आंकड़ों की जुबानी मोदी सरकार में महंगाई की कहानी बताई गई है। दावा किया गया है कि पहले महंगाई दयन सैया की कमाई खाती थी, आजकल महंगाई महामानव दोहरा दर दे रहा है। सैया को कमाने भी नहीं दे रहा है और परिवार ने जो कुछ पहले से बचा रखा है उसे भी चट कर जा रहा है। ये जो व्हाट्सएप मैसेज आया है उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मोदी जी पर लगाए गए संगीन आरोप के समर्थन में बकायदा आंकड़ा भी दिया गया है। आप भी इन आंकड़ों पर अपनी नजरें इनायत जरूर कीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से हासिल इन आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले यानी सन 2014 में आटा की कीमत प्रति किलो 26 रुपए थी। आटा जो था वो 26 रुपए प्रति किलो था, लेकिन वही आटा अभी 33 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जो चना दाल साल 2014 में 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, वो चना दाल अब 75 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। साल 2014 में 97 रुपए प्रति किलो मिलने वाला मूंग दाल अब 126 रुपया प्रति किलो हो चुका है। उड़द की दाल 69 रुपए प्रति किलो से जंप लगाकर सीधे 130 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। दालों में सबसे तगड़ा जंप लगाया है अरहर की दाल ने, 76 रुपए से सीधे 144 रुपया प्रति किलो। इस आंकड़े में हरी सब्जियों के भाव को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो सीजनल होती हैं और सीजन के हिसाब से उनके दामों में काफ़ी कमी बेसी होती रहती है। कभी दाम बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। इस मैसेज में दावा किया गया है कि तेल के मुद्दे पर तो वाकई मोदी जी ने पब्लिक का तेल निकाल दिया है। ये व्हाट्सएप मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है, जो सरसों का तेल साल 2014 में यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 90 रुपये प्रति लीटर मिलता था, वही सरसों का तेल अब डबल दाम यानी 180 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। साल 2014 में 80 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सोयाबीन तेल अब 169 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। तेल में रिकॉर्ड तोड़ा है सनफ्लावर तेल ने। साल 2014 में 81 रुपए प्रति लीटर, लेकिन अभी साल 2022 में 242 रुपया प्रति लीटर। किचन में इस्तेमाल होने वाले इन तेलों के बाद अब आप लगे हाथों उस तेल का दाम भी सुन लीजिए जिनसे आपकी गाड़ी रफ्तार से दौड़ती है। और सबसे पहले बात पेट्रोल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय यानी 2014 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 72 रुपये 43 पैसे थी, लेकिन प्रधानमंत्री मौजूदा मोदी जी के समय में पेट्रोल सैकड़ा पार कर चुका है। साल 2014 में जो डीजल 54 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर मिलता था, वही डीजल इस समय 90 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है। घरेलू गैस सिलेंडर का तो बुरा हाल है। 14.5 किलो का जो सिलेंडर साल 2014 में यानी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त अधिकतम 752 रुपये में मिलता था, वही सिलेंडर अब 1,002 रुपये में मिल रहा है। अब इन्हीं आंकड़ों को सामने रखकर जो आर्थिक विशेषज्ञ मोदी जी के उस दावे को खारिज कर रहे हैं कि उन्होंने महंगाई के मोर्चे पर 8 साल में शानदार काम किया है, और आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी 8 साल बेमिसाल, लेकिन ये है हकीकत दोस्तों मोदी सरकार के 8 साल का। दोस्तों ये आर्थिक विशेषज्ञ चाहे जो कहें, लेकिन मैं तो यही मानता हूं कि वाकई मोदी जी ने पब्लिक पर रहम दिखाया है। ये क्या कम बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल का दाम 100 रुपए ही किया है। वो चाहते तो इसे 200 के पार भी ले जा सकते थे, 300 भी ले जा सकते थे। गैस सिलेंडर का दाम वो 1,000 की बजाय 2,000 भी तो कर सकते थे। पब्लिक हाय तोबा मचाती तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अजान बनाम हनुमान पाठ का मुद्दा था ही, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ खास नहीं किया। अब आप ही बताइए, क्या इस बात के लिए मोदी जी की तारीफ नहीं होनी चाहिए?
मैं तो मानता हूं कि इस बात के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की ज़रूर तारीफ होनी चाहिए। वैसे आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। फिल्में कश्मीर फाइल खूब चली, लेकिन आपको पता है कि हालात कश्मीर में क्या हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान, महंगाई के मुद्दे पर कहीं अजान कहीं हनुमान चालीसा, आप इसी में फंसे रहे और महंगाई जो है वो बढ़ती चली गई। आपकी राय का इंतजार रहेगा। नमस्कार, आप देखते रहिए आईएनसी टीवी।